केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। हॉलमार्क के नाम पर वे अन्य झांसे देकर करोड़ों के जेवरात ठगने वाले कंकड़खेड़ा के नटवर लाल विनीत वालिया को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विनीत की मेरठ के कंकड़खेड़ा में बाबा ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। हॉलमार्क न होने की स्थिति में जेवरात की कीमत कम होने की बात कहते हुए विनीत वालिया ने क्षेत्र के करीब 150 से 200 लोगों के जेवर व नकदी हड़प ली। ठगे गए जेवरात की कीमत करीब 10 से 15 करोड़ रुपए बताई गई है। बाबा ज्वेलर्स के मालिक नीत वालिया की गिरफ्तारी की सूचना जैसे ही पीड़ितों को मिली, सभी कंकड़खेड़ा थाने पहुंच गए। भारी भीड़ नीत वालिया से ठगी के संबंध में सवाल जवाब चाहती थी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने उसको किसी से नहीं मिलने दिया, जिस पर पीड़ितों ने थाने पर हंगामा भी किया। मौके पर मौजूद सपा नेता नेहा गौड़ ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। जी, मेरा नाम नेहा गौड़ है और यहाँ पर एक कंकड़खेड़ा में बाबा ज्वेलर्स है जिसके पिता राजेंद्र वालिया हैं। तो ये बाबा ज्वेलर्स वाले ने क्या किया कि इसने लोगों के नाम गोल्ड के नाम पर ठगी करी। ये लोगों को ये कहता था कि गोल्ड सस्ता हो जाएगा और उस पर जो लोगों ने लाके से गोल्ड दे दिया, कुछ लोगों का पैसा था जिन्होंने, जैसे शादियाँ होती हैं कुछ होती हैं तो उस नाम पर दे दिया इसको, पहले से बुक करा देते हैं हर इंसान। कम से कम आप ये लगाइए कि 250 लोगों से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, जिसमें कि 250 लोग ये 12 तारीख से यहाँ से लापता था। जब ये लापता हो गया तो हम लोगों ने तहरीर दी, 18 में मुकदमा कायम हुआ, 18 के बाद आज ये गिरफ्तार हुआ है। बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, चेक हैं, नकली ज्वेलरी है, साथ में हॉलमार्क के लिए ज्वेलरी लेता था, ये हॉलमार्क के बिना ज्वेलरी देता था, ये सब चीज़ों, ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ ये कंकड़खेड़े के अंदर। जी, रात पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, जिसमें कि आज थाने से पीड़ितों की रसीदें वसीदे चेक जो थे, चेक बाउंस हो रखे थे या जो भी रसीद थी वो ली गई हैं, और एसपी सिटी द्वारा या उनकी टीम जो गठित थी उनके द्वारा ये गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है और पीड़ित बहुत परेशान है आज। पीड़ित क्या कर रहे हैं? पीड़ित जो है हर तरीके से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, चाहे वो जेल जाने का माध्यम हो, चाहे कोई भी माध्यम हो, पीड़ित इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, सबके विश्वास का भी इसमें माहौल हुआ है। अभी कितने पैसे निकल के आ रहे हैं? पैसे कम से कम इसमें करोड़ों की तादाद आ रही है। भैया, जो गुरु नानक गली का बाबा ज्वेलर्स का राजेंद्र वालिया है, उनका पुत्र है विनीत वालिया, और उनके साथ हमारा बहुत पुराना आना जाना है, सोने का लेन देन है, पैसे का भी लेन देन है, सभी चीज़ हैं उसमें। हमारा करीब 13 लाख से ऊपर का हिसाब है और उसी चीज़ के लिए हम 10 दिन से भागे फिर रहे हैं। ये गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे मिलने के हम इच्छुक हैं और इससे मिलने के लिए ही हम यहाँ थाने में हैं। तो पुलिस ने मिलने दिया नहीं दिया अभी? नहीं, अभी हमें पुलिस से नहीं मिलने दिया गया है। सूचना मिली आपको कुछ? ये विनीत मिल गया, उसकी सूचना हमें मिली है, गिरफ्तार कर लिया गया है। अरे कितने का घोटाला करके भगा, कुछ आइडिया हो बताओ? ये तो भैया 10 दिन हो गए, 10 दिन तक सभी को पता, अखबारों में भी आ रही है कितने का घोटाला हुआ, कि वो आज बेर कह सके फायदा। 150 से 200 लोगों का आदमी, 150 से 200 आदमी का के साथ घोटाला हुआ है और 15 से 20 करोड़ रुपए का घोटाला है। क्या लगता है कि आपको मिलेगा? उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद सब करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।